असल में आखिरी मुकर्रिन जो होता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उधर खाना भी सजा हुआ है और लोग भी भूख से तैयार हैं खाने के लिए। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दिया। इसमें अब हमारे साथ असल में हर मीटिंग में ये बात उठाते थे हम लोग कि भाई ये जो इस्लामिक सेंटर है ये सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं है, इसमें दूर शहरों से भी इसमें आदत होना चाहिए। वो बात मानी नहीं गई या मैं माइनॉरिटी में रहा उसमें मैं बात रखकर, लेकिन अब चूंकि एज वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त मेरी मेजॉरिटी है तो मैंने इसमें एक साहब शेख साहब को जो बॉम्बे के हैं वो आज आ नहीं पाए हैं, उनकी कुछ मजबूरी थी, उनके घर में कुछ शादी थी। शेख साहब तो उन्होंने एक तो सलाम भेजा आप सब लोगों को और बहुत बहुत पूछना किया, बड़ी माजरत की है कि भाई मैं नहीं आ सकता। हाँ 16 को एक मेरे यहाँ डिजाइन था तो उसमें वो आए थे लेकिन आज वो नहीं आ पाए। उसके बाद एक दूसरी बात ये थी कि सब इसमें क्योंकि हम एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो इंटरफेयर की बात करते हैं और हम हर त्यौहार मनाते हैं, दिवाली होली गुरुपुरब ये तो किसी दूसरे कम्युनिटी से भी इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस बात को हमने महसूस किया। और जब हम मुताला कर रहे थे इस बात का लिस्ट वगैरह के हिसाब से तो उसमें देखा कि देयर आर अबाउट 562 नॉन मुस्लिम इन इस्लामिक सेंटर, तो मैंने कहा बिल्कुल इसमें होना चाहिए। और हमने उस सिलसिले में उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी सब लोगों से बात करके मिस्टर नरेश गुप्ता को इसमें अपने साथ शामिल किया। ये बहुत उमदा शख्स है, बहुत नेक आदमी है और बहुत सिंसियरिटी के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे ही शुएब साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बॉम्बे के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर अपने काम किए हैं। दूसरी बात ये थी कि साहब सचिवला भाई ने जो सवाल रखा सामने उसका इतना तो कह सकता हूँ क्योंकि मैं इसमें शामिल था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 हम फंक्शंस के लिए अलाउ कर दें, सफदर भाई मेरे साथ थे, हमने ये तय करा था कि 3 फ्री फंक्शन जो हैं वहाँ पर होना चाहिए। अच्छा क्योंकि अभी बॉडी फॉर्म नहीं हुई है भाई तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके ऑफिस के लिए कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। और दूसरी ये कि 3 की जगह मैं 4 या 5 करा दूँगा, ये आने वाला अगर मैं जीता है मेरा उसमें कुछ रोल रहा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये 5 फंक्शन जो आपके मुँह पर कराऊँगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि साहब मैंने आपको ध्यान होगा जब ये इस्लामिक सेंटर शुरू हुआ था तो उस वक्त मुझे सबसे पहले कन्वीनर बनाया गया था यहाँ।